हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें एक और इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और वो है हमारा प्लियोट्रॉपी। अभी तक जैसा हमने पढ़ा कि सिंगल जीन जो है वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, जैसे हमने देखा था कि हाइट को सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा था, शेप ऑफ सीड को सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा था, कलर ऑफ सीड को सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा था। पर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे जीन को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन, और ये फिनोमिना जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक। तो प्लियोट्रॉपिक जीन कौन सा जीन है? ऐसा जीन जो क्या कर रहा है, कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। This gene shows multiple phenotypic effect. ये एक से ज्यादा phenotypic effect को शो करते हैं या हम बोल सकते हैं express करते हैं। जैसे हम एक example देते हैं कि पी प्लांट में सिंगल जीन जो है वो इन थ्री कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, सीड कोट कलर, जो सीड कोट रहता है उसके कलर को भी यही जीन कंट्रोल कर रहा है। लीफ की एक्सिल में एक रेड कलर का स्पॉट होता है, यहाँ पर ये जो लीफ होती है इसमें लीफ की यहाँ पर ये जो एक्सिल है यहाँ पर एक रेड कलर का स्पॉट रहता है, तो रेड स्पॉट को भी कौन कंट्रोल करता है, यही जीन कंट्रोल कर रहा है। और फ्लावर का जो कलर रहता है उसको भी यही जीन कंट्रोल कर रहा है। तो एक यहाँ पर सिंगल जीन जो है वो इन तीन कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये जो थ्री फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो सिंगल जीन की वजह से ही है। तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास में क्रोमोसोम पर सिंगल जीन जो है वो क्या कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर वन को भी कंट्रोल कर रहा है, कैरेक्टर बी को भी, कैरेक्टर सी को भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। ये फिनोमिना जो होगा वो होगा हमारा प्लियोट्रॉपिक। इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसका इन्फ्लुएंस या वो तीनों ही या चारों ही कैरेक्टर को, जितने भी कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है उन सभी कैरेक्टर को वो इक्वली एक्सप्रेस करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसे समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो रहता है उसमें क्या रहता है, जो हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में इसमें एक प्रोटीन पार्ट जिसे ग्लोबिन बोला जाता है, ये ग्लोबिन किसका बना हुआ है, ये बना होता है प्रोटीन का, ये प्रोटीन से बना हुआ पार्ट है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर के बनती है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसमें फोर चेन होती है, फोर पेप्टाइड चेन होती है। इन पेप्टाइड चेन में टू होती है अल्फा पेप्टाइड चेन और टू होती है हमारे पास में बीटा पेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर ये जो बीटा पेप्टाइड चेन होती है, बीटा पेप्टाइड चेन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कॉज होता है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, किस जगह पर, जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कॉज होता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये किसकी वजह से कॉज हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, और ये एक तरह की ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में एमिनो एसिड्स जो रहते हैं उनका क्या सीक्वेंस रहता है। फर्स्ट नंबर पर होता है वेलिन, सेकेंड नंबर पर रहता है हिस्टिडिन, थर्ड नंबर पर रहता है ल्यूसिन, फोर्थ नंबर पर होता है थ्रियोनिन, फिफ्थ नंबर पर होता है प्रोलिन, सिक्स नंबर पर रहता है ग्लूटामिक एसिड और सेवन नंबर पर होता है ग्लूटामिक एसिड। ऐसे ही ये एमिनो एसिड्स की बहुत लंबी चेन होती है। ये आप कौन सी चेन देख रहे हैं, यहाँ पर बीटा चेन को देख रहे हैं। यहाँ पर जो सिक्स नंबर का जो एमिनो एसिड होता है ये एमिनो एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे, वेलिन से। सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या सीक्वेंस होगा, फर्स्ट नंबर पर होगा वेलिन, सेकंड नंबर पर होगा हिस्टिडिन, थर्ड नंबर पर होगा ल्यूसिन, फोर्थ नंबर पर होगा थ्रियोनिन, फिफ्थ नंबर पर होगा प्रोलिन, सिक्स नंबर पर होगा वेलिन और सेवन नंबर पर होगा ग्लूटामिक एसिड।
नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6 नंबर पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड है उसको किसने रिप्लेस कर दिया, वेलिन एमिनो एसिड ने रिप्लेस कर दिया। तो इसकी वजह से जो शेप होता है आरबीसी का, वो शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका शेप कैसा हो जाता है, सिकल टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 6 पोजीशन है बीटा चेन की, उसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हुआ है, वेलिन से रिप्लेस हुआ है, और ये हीमोग्लोबिन कौन सा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन में हमारी जो नॉर्मल आरबीसी जो रहती है वो कैसे होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम इसको साइड से देखें तो यहाँ पर कुछ बाइकॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमको दिखाई देता है, ये ई न्यूक्लियर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ई न्यूक्लियर मीन जिसमें की न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब 6 नंबर का ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया वेलिन से, यानी कि ये कौन सी डिजीज कॉज करेगा, सिकल सेल एनीमिया डिजीज कॉज करेगा, ऐसे में जो आरबीसी रहती है उसका शेप जो होगा वो कैसा होगा, सिकल टाइप का शेप हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्क लाइक आरबीसी रहती है वो है या बाइकॉन के, अगर हम उसका साइड में देखें तो ये बाइकॉन के स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसमें हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा होता है, और हीमोग्लोबिन जब ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी जो रहती है इन आरबीसी की ज्यादा रहती है, पर जब आरबीसी का शेप जो होगा वो सिकल टाइप का हो जाता है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो रहता है वो कम होता है, और कम हीमोग्लोबिन होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है इन सेल्स की क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि वन जीन जो है वो क्या कर रहा है, वन जीन टू कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसने क्या किया, चेंज कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, और साथ में यहां पर क्या हुआ, चेंज हो गया किसका शेप, आरबीसी का शेप। तो वन जीन ने दो कैरेक्टर को कंट्रोल किया, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और यहां पर चेंज क्या हुआ, आरबीसी का शेप हुआ, आरबीसी का शेप कैसा हो गया, सिकल टाइप का हुआ, इसीलिए इस डिजीज को नाम दिया सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल शेप के आरबीसी रहती हैं, इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होगा वो ज्यादा रहता है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो कम रहेगा, और हमको मालूम है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है, तो चूंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन बहुत कम है इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाती है। अब अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो क्या होता है कि जो HbA है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन को शो करता है, और HbS जो है वो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन को, ये डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन को शो करेगा। तो किसी पर्सन का जीनोटाइप अगर यहां पर हम देखें कि उसमें दोनों ही एलील जो है वो कैसे हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले हैं, तो इसमें कैसा हीमोग्लोबिन होगा, यानी कि इस पर्सन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, ये पर्सन जो होगा वो नॉर्मल होगा, इसमें कोई डिसीज नहीं होगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर जीनोटाइप HbA और HbS होता है तो इसमें 50% हीमोग्लोबिन जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, और 50% हीमोग्लोबिन जो होगा वो कैसा होगा, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होगा। मींस यहाँ पर 50% आरबीसी जो है वो डिस्क लाइक होंगी, और 50% आरबीसी कैसी होंगी, सिकल शेप की होंगी, और अगर किसी पर्सन में दोनों ही रिसेसिव एलील होंगे तो यहाँ पर 100% यानी कि पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन होगा वो कैसा होगा, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होगा। और जब किसी पर्सन में डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होगा मींस उसकी पूरी की पूरी सेल्स 100% सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, सिकल शेप की होंगी। जब सेल्स सिकल शेप की होंगी तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, टिश्यूज तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ऐसे पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं,
और जिनमें 50% नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, 50% डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होता है, मीन्स उसमें 50% सेल कैसी है, सिकल टाइप की सेल्स होती हैं। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं उनमें ये डिसीज होती है सिकल सेल एनीमिया। तो ये पर्सन जो होते हैं वो फिजिकली वीक होते हैं, मस्कुलर पेन होता है। और ऐसे पर्सन जिनमें की दोनों ही एलील जो है वो नॉर्मल है, उनका हीमोग्लोबिन कैसा होगा, नॉर्मल होगा, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे पर्सन जिनमें सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है, यानी कि जिनमें जीनोटाइप क्या है, HbA HbS है, 50% हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, 50% हीमोग्लोबिन जो वो डिफेक्टेड है, इनको कौन सी डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया है। तो ऐसे पर्सन में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी तो कम होती है, क्योंकि सेल आरबीसी कैसी हो गई है, सिकल टाइप की हो गई है। पर ऐसे पर्सन में क्या होता है कि मलेरिया डिसीज जो रहती है वो नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सिकल शेप के आरबीसी हो जाती हैं, इसमें मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जबकि जो नॉर्मल आरबीसी रहती है उसमें मलेरियल पैरासाइट जो रहता है वो क्या करता है, इजिली पेनिट्रेट कर सकता है। तो ऐसे पर्सन जिनमें की सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें मलेरिया का पैरासाइट जो रहता है वो उनकी आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो सिंगल जीन है वो टू कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एक हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने देखा, और साथ में सिकल सेल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, साथ ही ये कंट्रोल कर रहा है आरबीसी के शेप को। यहाँ पर नॉर्मल डिस्क लाइक शेप से कौन सा शेप बन रहा है, सिकल टाइप का शेप बन रहा है। तो सिंगल जीन जो है वो टू कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए किसका एग्जांपल है, हमारा प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल है। और ये जीन जो है वो कौन सा जीन होगा, हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन होगा। तो हम बोल सकते हैं इन प्लियोट्रॉपिक सिंगल जीन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल इफेक्ट्स और अफेक्टिंग मैनी कैरेक्टर्स और कंट्रोलिंग मैनी फीनोटाइप। इसमें हम देखेंगे कि जो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है, प्लियोट्रॉपिक जीन जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे पर इफेक्ट डालता है, और इस इफेक्ट की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट फीनोटाइप्स जो है वो मिलते हैं। प्लियोट्रॉपिक की एक एग्जांपल को हम और देखते हैं, और वो है हमारा फिनाइल केटोन्यूरिया। ये एक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से हमारी बॉडी में होता है। हम क्या देखेंगे इस डिजीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने में, मींस ये जीन जो है वो क्या कर रहा है, कोड कर रहा है फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को। और इस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि ये जो फिनाइल एलनिन होता है हमारी बॉडी में उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टायरोसिन में। पर जीन म्यूटेशन की वजह से, जब इसमें म्यूटेशन होता है, इस जीन में म्यूटेशन होगा, इस म्यूटेशन की वजह से ये क्या करेगा, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाना बंद कर देगा। अब यहाँ पर फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो फिनाइल एलनिन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारे बॉडी में जो फिनाइल एलनिन बन रहा था वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो कन्वर्ट होता है फिनाइल पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये हमारे ब्रेन में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कुछ साइड इफेक्ट्स दिखते हैं इसके हमें, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर, और जो स्किन रहती है उसका पिगमेंटेशन पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मेलानिन पिगमेंट जो बनता है हमारे स्किन में वो कम बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो सिंगल जीन है, सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से ये जीन जो है वो होगा प्लियोट्रॉपिक जीन। क्यों है प्लियोट्रॉपिक जीन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, और ये किसके एग्जांपल है, प्लियोट्रॉपिक का। तो इस तरह से आज प्लियोट्रॉपिक में हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, सिकल सेल एनीमिया जिसमें सिंगल जीन जो था वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड शेप ऑफ आरबीसीज। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा फिनाइल किटोन्यूरिया, जिसमें हमने देखा सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा था थ्री फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन ऑफ हेयर एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो इस तरह से ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके थे, हमारे प्लियोट्रॉपी के। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।